हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। वेलकम टू द कमेंट सेक्शन ऑफ आवर चैनल। इस सेक्शन में मैं आपके कमेंट्स को रैंडमली पिक करता हूं और उसके आंसर्स देता हूं, जिससे आप सभी लोगों को बहुत फायदा होता है जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड पर्सन है उनको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए लेते हैं हम लोग सबसे फर्स्ट कमेंट को। सबसे फर्स्ट कमेंट है लीना पाटिल का। इन्होंने लिखा है, सर टीवी सीरियल की स्क्रिप्ट को प्रोड्यूसर को दिखाने से पहले रजिस्टर कराना पड़ता है क्या? अगर है तो कहाँ कर सकते हैं और कैसे? देखिए, टीवी सीरियल की आप स्क्रिप्ट को रजिस्टर मत करवाइए, आप उसका सिनॉप्सिस और वन लाइनर लिखते हैं उसे आप रजिस्टर करवा लीजिए, क्योंकि टीवी सीरियल जो है ये सालों तक चलती है और सबसे स्टार्टिंग में लगभग 60-80 एपिसोड्स तक रेडी करके देने पड़ते हैं चैनल्स को। तो आप उसकी स्क्रिप्ट मत लिखिए, जब वो फाइनलाइज हो जाएगी, जब प्रोड्यूसर उसे फाइनल कर लेते हैं, जब चैनल वालों से कॉन्सेप्ट आपका पास हो जाता है, तब फिर आप उसकी स्क्रिप्टिंग करें। वो प्रोड्यूसर के देखरेख में आप करेंगे कि हाँ किस तरीके से उसे बनाना है, और भी आपको राइटर्स की टीम दी जाएगी, तो उनके साथ आप मिलकर के करेंगे और यही प्रोसेस होता है। तो आप अभी सिर्फ सिनॉप्सिस और वन लाइनर स्टोरी ही रजिस्टर करवाइए, और रजिस्टर कराने का प्रोसेस है कि आप स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन से रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके लिए आपको अपना राइटर कार्ड बनवाना होगा और ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कार्ड भी आपका ऑनलाइन बन जाएगा। तो आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। हमारे जो वीडियोस है इस टॉपिक पर है, आप देख सकते हैं। उसे आपको देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करना पड़ेगा, ऑनलाइन राइटर कार्ड आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। तो चलिए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है उत्सव मोद का। इन्होंने लिखा है, सर प्रोड्यूसर्स 15-19 ईयर्स ओल्ड किड्स की स्क्रिप्ट लेते हैं? देखिए, स्क्रिप्ट वो किसी की भी लेंगे, स्क्रिप्ट में दम होनी चाहिए, उसके स्टोरी में दम होनी चाहिए, स्क्रिप्ट प्रॉपर फॉर्मेट में लिखी होनी चाहिए। तो स्क्रिप्ट को अगर आपने प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा है, आपने अच्छे से लिखा जैसे लिखा जाता है स्क्रिप्ट को, तो वो डेफिनेटली लेंगे। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात आ गई, तो आप उसे अपने किसी के नाम पर, आपके फैमिली में जो सबसे भरोसेमंद पर्सन है या आपके मम्मी है पापा है, तो आप उनके नाम पर राइटर का कार्ड बनवा कर वहाँ उनके नाम पर भी रजिस्टर करवा सकते हैं और फिर आप प्रोड्यूसर्स को सेल कर सकते हैं। हाँ, वो लेंगे, बस ये बात है कि वो प्रॉपर फॉर्मेटेड होनी चाहिए। और अगर आप प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग सीखना चाहते हैं, तो इसके बारे में चलिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जिसका नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स। उस कोर्स को आप घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं और आप ऑनलाइन प्रोफेशनली स्क्रिप्ट राइटिंग को सीख सकते हैं। उस कोर्स में अभी ऑफर चल रही है, कोर्स की फी है 4,500 रुपीज, लेकिन अगर आप फर्स्ट 60 स्टूडेंट्स के अंतर्गत आ जाते हैं तो आपको कोर्स की फी लगेगी मात्र 3,900 रुपीज। तो आपको 600 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप अभी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, 60 स्टूडेंट्स बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट भी हो जाते हैं। तो आप ज्वाइन करने के लिए हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है गरिमा अग्रवाल का। इन्होंने लिखा है, सर इज दिस एप्लीकेबल फॉर शॉर्ट फिल्म्स आल्सो? मतलब शॉर्ट फिल्म के लिए भी प्रेमाइस लिखना है? देखिए, जो भी चीज़ें आप एक फीचर फिल्म के लिए लिखते हैं, वो सभी चीज़ें आप एक शॉर्ट फिल्म के लिए भी लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि शॉर्ट फिल्म में यही गलती बहुत सारे शॉर्ट फिल्म मेकर्स करते हैं कि वो पेपर वर्क अच्छे से नहीं करते हैं। तो जो भी चीज़ें लिखी जाती है, जो एक स्क्रिप्ट को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है, वैसे ही आप उसे लिखें बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर प्रेमाइस की बात की, तो प्रेमाइस आपको अपने कहानी का शॉर्ट में 3-4 लाइन में आपको उसे बताना रहता है कि हाँ आपके कहानी का सारांश क्या है, उसे उसका समरी क्या है। तो ये जो प्रेमाइस अगर आप शॉर्ट फिल्म का भी रेडी कर लेते हैं, तो आप इस प्रेमाइस को पिच कर सकते हैं प्रोड्यूसर्स को जो शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, तो इससे भी आपका काम आसान हो जाएगा। तो आपको इसे ऐसे ही आपको स्क्रिप्ट को रेडी करना चाहिए शॉर्ट फिल्म के लिए भी, जैसे फीचर फिल्म के लिए की जाती है। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है नावेद शीश का। इन्होंने लिखा है, सर फीचर फिल्म क्या होती है? खुद से बिल्डअप की गई फिल्म को क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले फीचर फिल्म क्या होती है? फीचर फिल्म का मतलब होता है कि जो फुल लेंथ मूवी होती है, जो 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की बनती है, तो जो फुल लेंथ मूवी होती है, जो एक सिनेमा थिएटर में चलाई जा सकती है, वो कहलाती है फीचर फिल्म। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, आप जो हिंदी फिल्में जो पर्दे पर देखते हैं, वो सभी एग्जाम्पल्स है इसके। सलमान खान की फिल्में, अक्षय कुमार जी की फिल्में, जितनी मूवीज आप देखते हैं जो 2 घंटे 2 घंटे 15 मिनट 2.5 घंटे 3 घंटे की होती है, तो वो सभी फीचर फिल्में हैं। तो फीचर फिल्म क्या हो गई, ये आपको पता चल गई। आप सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि खुद से जो फिल्म बिल्डअप की जाती है, जो बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, उसे इंडी फिल्म कहा जाता है, इंडिपेंडेंट फिल्म कहा जाता है, यानी आप खुद से एक फिल्म बना रहे हैं।
तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर भी है जो खुद पैसा लगा करके फिल्मों को बनाते हैं, तो इसे इंडी फिल्म्स कहा जाता है। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है रंश थेवल का। इन्होंने लिखा है, सर आपके वीडियोस तो यूजफुल है पर आप हर चीज के लिए पैसे मांगते हो, कभी तो फ्री करिए। चलिए मैं यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए मैं जो भी जिसमें मेरे पैसे लगे हुए रहते हैं, जैसे कोर्स को डिजाइन करने में मेरे पैसे लगे, तो कोर्स के लिए डेफिनेटली मैं आप लोगों से चार्ज करूंगा अगर आप उसे करना चाहते हैं तो। फिर जैसे आपको, जैसे आप मान लीजिए कि आपको फ्री की आप बात करें, तो फ्री में हमने आप लोगों को बहुत कुछ दिया है। जैसे यूट्यूब का कमेंट्स है तो कमेंट्स को मैं आंसर्स करता हूँ, और जो भी क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं उसका आंसर मैं आपको देता हूँ, तो वो एक क्वेश्चन आंसर का माध्यम है आप लोगों के बीच और हमारे बीच, तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। फिर इंस्टाग्राम पर आप जो मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम में आपको रिप्लाई जाता है कि हाँ अगर आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसका भी आपको रिप्लाई जाता है, तो इंस्टाग्राम का रिप्लाई भी है वो बिल्कुल फ्री है। तो इस तरीके से देखिए हमने भी बहुत सारे चीज़ों को फ्री रखा है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और जहाँ पर हमारे पैसे लगे हुए हो वहाँ पर हम लोग भी लॉस में ना जाए। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है असम बॉयज 06 का। इन्होंने लिखा है, सर यूट्यूब पर शॉर्ट फिल्म बनाने के बाद डायरेक्टर कार्ड होना जरूरी है, प्लीज रिप्लाई करें। देखिए अगर आप एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपने उसे सेंसर नहीं कराया है या फिर सेंसर आप नहीं कराना चाहते हैं, तो फिर चलिए डायरेक्टर कार्ड आपके पास नहीं भी होगा तो भी आप बनाकर उसे यूट्यूब तक रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे OTT में रिलीज करना चाहते हैं या फिर आप उसे सेंसर करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए फिर आपको, यानी फिल्म फेस्टिवल्स में भेजने के लिए सेंसर कराया जाता है, तो उस केसेस में आपको क्या करना होगा, आपको अपना डायरेक्टर का कार्ड बनवाना होगा। डायरेक्टर का कार्ड आपके पास होगा तभी फिर आप इस तरह की लेवल पर शॉर्ट फिल्म को बना पाएंगे। अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट है बॉलीवुड की सच्चाई का। इन्होंने लिखा है, क्या वन लाइनर और सिनॉप्सिस सेम है? देखिए वन लाइनर और सिनॉप्सिस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों डिफरेंट स्टेजेस है स्क्रिप्ट डेवलपमेंट के। सबसे पहले वन लाइनर में आपको शॉर्ट में बता दूं, जब भी आप अपने फिल्म के सभी घटनाओं को, जो मेन घटनाएं रहती है उन घटनाओं को आप लिखते हैं शॉर्ट में, तो उसे कहा जाता है वन लाइनर स्टोरी। वन लाइनर स्टोरी अगर आप एक फीचर फिल्म के लिए लिखते हैं तो वो लगभग 8 to 10 पेजेस में आती है, और यही अगर आप सिनॉप्सिस लिखते हैं तो सिनॉप्सिस क्या होता है, जैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो उस आइडिया को जब आप अरेंज करके लिखते हैं, उसका स्टार्टिंग, उसका मिडिल पॉइंट और उसका एंड बताते हुए, तो उसे कहा जाता है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस यूजुअली 1 to 2 पेज तक होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा लिखे तो 3 to 4 पेजेस, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन 1 to 2 पेजेस तक मेनली सिनॉप्सिस होती है। तो सिनॉप्सिस और वन लाइनर स्टोरी में यह डिफरेंस होता है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को इस कमेंट सेक्शन के वीडियो से बहुत फायदा हुआ होगा, तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा डिजाइन की गई ऑनलाइन स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स, जिसे आप अपने घर बैठकर व्हाट्सएप की मदद से कर सकते हैं। 4 महीने की इस कोर्स में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की छोटी से छोटी बारीकियों और बड़े से बड़े टॉपिक को वीडियो के माध्यम से एग्जाम्पल सहित सिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं कोर्स की सिलेबस स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस कोर्स को हर उम्र के लोग कर सकते हैं जो हिंदी लिखना और पढ़ना जानते हैं। कोर्स के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप हमें व्हाट्सएप या कॉल करके अपने डाउट को क्लियर करवा सकते हैं। इस कोर्स की फी आपकी सुविधा के लिए मात्र 4,500 रुपीज रखी गई है। अभी चल रहे ऑफर के तहत इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले पहले 60 आवेदकों के लिए कोर्स की फीस मात्र 3,900 रुपीज है। A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स के लिए 3,900 रुपीज का पेमेंट आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट डिटेल्स पर कर सकते हैं। आप अपने सुविधा अनुसार पैसे बैंक जाकर भी इस अकाउंट नंबर पर जमा कर सकते हैं, या आप इसी अकाउंट नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, जैसे पेटीएम, गूगल पे, डेबिट कार्ड आदि के माध्यम से। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की रिसिप्ट आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। ये 4 महीने की कोर्स है। इस कोर्स को आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उसके 4 महीने के अंदर कोर्स को कम्प्लीट करा दी जाएगी।
इस कोर्स को कंप्लीट सीखने, समझने और प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनकर सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं। ए टू जेड स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स को ज्वाइन करने के लिए या अधिक जानकारी लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।